हेलो एवरीवन, कैसा है आप लोग? तो ये आर्टिकल एक इम्पॉर्टेंट है। फिलीपींस कंडेम्स इलीगल एक्शन बाय चाइनीज बोट्स इन साउथ चाइना सी। मतलब कुछ हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, चाइनीज नहीं सुधर सकते, इनको लात जूता मारना ही पड़ेगा। ये लात के भूत बात से नहीं मानते, मुझको लगता है चाइनीज के लिए ये कहावत बनी है। देखते हैं क्या है। द फिलीपींस कंडेम्ड इलीगल एक्शन बाय चाइनीज वेसल्स ऑन फ्राइडे आफ्टर अ बोट एलिजली इंटरफेयर्ड इन अनदर रीसप्लाई मिशन टू रिमोट मिलिट्री आउटपोस्ट इन डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी। टू फिलीपींस कोस्ट गार्ड वेसल्स आर एस्कॉर्टिंग सप्लाई बोट्स टू अ सेकेंड थॉमस शोल इन अ सप्लाई आइलैंड व्हेन दे एनकाउंटर्ड फोर चाइनीज कोस्ट गार्ड एंड फोर मिलिट्री बोट्स। मतलब क्या कर रहे हो यार, तुम्हारे बाप का ये साउथ चाइना सी थोड़ी है। अब साउथ चाइना सी नाम है, इसका मतलब चाइना थोड़ी है। अब इंडियन ओशन है तो उसमें अकेला हम कुछ भी थोड़ी कर सकते हैं। While the cargo was successfully delivered to a handful of Filipino troops on the grounded Navy ship, the Chinese vessels had carried out harassment, dangerous maneuver, and aggressive conduct towards the Philippines boat, the National Task Force said. The task force strongly deployed and condemned the continued illegal, aggressive, and destabilizing conduct of CCG and CMM within our nation. EEZ, क्या economic ये zone होता है? उसको EEZ बोला जाता है। ये 200 नॉटिकल माइल से शायद स्टार्ट होता है। द टास्क फोर्स सेड यूजिंग द एक्रोनिम ऑफ चाइनीज वेसल एंड फिलीपींस एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक जोन। हाँ, EEZ होता है, एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक जोन। चाइना रिमेन्स ऑलमोस्ट द एंटायर वाटरवे थ्रू विच ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ ट्रेड पासेस एनुअली एंड हैज़ इग्नोर्ड द इंटरनेशनल रूलिंग दैट इट्स असर्शन हैज़ नो लीगल बेसिस। तो वही चीज़ है, इनके बाप का थोड़ी है। सिंपल सी बात है, इतने सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में जो ये बता रहे हैं। इन ए स्टेटमेंट द चाइनीज कोस्ट गार्ड एक्यूज द फिलीपींस बोट ऑफ एंटरिंग द वाटर अराउंड द रीफ विदाउट ऑब्टेनिंग परमिशन। अरे जाओ रे बेवकूफ लोग। सेकेंड थॉमस शोल इज अबाउट 200 किलोमीटर फ्रॉम द वेस्टर्न फिलीपीन आइलैंड ऑफ पालवान एंड मोर देन 1000 किलोमीटर फ्रॉम चाइनाज नियरेस्ट मेजर लैंडमार्क यान आइलैंड। तो देखो, यहाँ से 200 किलोमीटर है, वहाँ से 1000 से ज़्यादा दूर है, तो तुम यहाँ कैसे आ रहे हो यार? फ्राइडे से रिसप्लाई मिशन हैपेंड ऑन सेम डे फिलीपींस प्रेसिडेंट फेरिडिनो मार्कोस साइन द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद द ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज इन मनीला। मनीला क्या है आपको? मनीला वनीला आप याद रखिए, फिलीपींस का कैपिटल है। तो चलिए देखते हैं क्या बात होती है इसमें। यहाँ पे फिलीपींस अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, साउथ चाइना सी इम्पोर्टेंट हो जाता है, चाइना वहाँ पे ऊपर में इम्पोर्टेंट है, इसका कैपिटल मनीला है, जिसको सुन के मन करता है खाना वनीला। खैर, और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इनका, ऑस्ट्रेलिया के बीच में देखिए यहाँ क्या हुआ है, अभी तो बताया था यार, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया और मनीला के बीच में हुआ है, डेट इज फिलीपींस। तो बस लोकेशन थोड़ा देखिए, और चाइना कितना दूर है फिर भी कहाँ तक पहुँच रहा है, बेवकूफ़ी कर रहा है, एक दिन मार खाएगा। तो यही बात है, इससे ज़्यादा हमें जानने की इस आर्टिकल में ज़रूरत नहीं है। सो प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स एंड थैंक यू।